इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी हाइट करीब 828 मीटर है। क्या आप जानते है कि जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तो सीमेंट का जो मिश्रण है वो जमीन पर ही बनाया जा रहा था। अब आप इसकी हाइट का अंदाजा कुछ ऐसे लगा सकते हैं कि सीमेंट ऊपर ले जाते समय रास्ते में ही ऊपर सूख जाया करता था। अब सीमेंट के मिश्रण को इतना जल्दी ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए उन्होंने दुनिया के 3 सबसे पावरफुल कंक्रीट पंप को मंगवाया, जिनकी कीमत भी करोड़ों में थी। अब दोस्तों, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा की जमीन के नीचे कितना सारा सरिया डाला गया है? आखिर क्यों बुर्ज खलीफा के काम को बीच में 1.5 सालों के लिए रोक दिया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की बात करें तो वहाँ से कहा जाता है कि पड़ोसी देश ईरान को भी देखा जा सकता है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर गए होंगे और वहां पर जाकर खाना खाया होगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर सिर्फ एक टाइम का खाना 7 से 8 लाख रुपयों में पड़ता है। बुर्ज खलीफा की जो विंडोज हैं वो देखने में ऐसा लगता है कि नॉर्मल सा ग्लास है, लेकिन आपको बता दे कि पहले यहाँ पर नॉर्मल ग्लास ही लगाया गया था, लेकिन उस समय अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुँच गया था, जितने में तो पानी भी उबलने लगता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान अंदर चला गया तो आप सोच सकते हैं कि आखिर उसका क्या हाल होगा। अब दोस्तों, अगर इस केस में एसी लगवाते तो बिजली का खर्चा ही हर महीने करोड़ों रुपयों में आता, जो कि बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं था, और इसका सलूशन ढूंढने में उन्हें करीब 1.5 साल लग गए। अब मशहूर इंजीनियर जॉन जिराफा ने एक खास तरह के ग्लास को बनाया जो कि सूरज की यूवी रेस से गर्म नहीं होते थे। अब ये ग्लास $40,000 का था और ऐसे में यहाँ करीब 24,000 पैनल लगने वाले थे। अब हुआ यूं कि उन्होंने इस कॉस्ट को कम करने के लिए बुर्ज खलीफा के पास में ही उस ग्लास की फैक्ट्री बना ली और इस तरह उन्होंने करोड़ों रुपयों का खर्चा दिमाग का इस्तेमाल करके बचा लिया। आपको पता होगा कि पहले बुर्ज खलीफा की जमीन रेत से भरी हुआ करती थी और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बुर्ज खलीफा जैसी अगर कोई ऊंची या फिर महंगी बिल्डिंग उस पर बना दी जाए तो वो कभी भी गिर सकती है और बुर्ज खलीफा तो उस पर खड़ा ही नहीं हो पाता। अब इसके लिए बुर्ज खलीफा के नीचे स्टील के हजारों टन के पाइप्स डाले गए ताकि बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन सके। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 3,20,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था। एक अंदाजे के हिसाब से देखें तो कंक्रीट और स्टील पाइप्स का वजन ही करीब 200 हाथियों के बराबर होगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि आखिर बुर्ज खलीफा एक दिन में कितना रुपया कमाता है, तो फिर अगर रिपोर्ट की माने तो बुर्ज खलीफा ने सन 2019 में करीब $1.5 बिलियन की कमाई करी थी, यानी कि करीब 12,000 करोड़ रुपए। और अगर एक दिन की बात करें तो बुर्ज खलीफा हर रोज 32 करोड़ रुपए की कमाई करता है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। इस बिल्डिंग को बनाने में ही करीब 6 साल का समय लग गया था और एक रिपोर्ट के हिसाब से इसे बनाने में $1.5 बिलियन का ही खर्चा आया था। अब इसका मतलब कि जितना खर्चा इसे बनाने में हुआ था उतना तो बुर्ज खलीफा एक साल में ही कमा लेता है। और आप समझ गए होंगे कि आखिर बुर्ज खलीफा का दुबई की GDP में क्या रोल होता होगा। दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर कोई 10 से 15 फीट का पाइप लगाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये पाइप करीब 136 मीटर लंबा और 350 टन वजनीय है। इस पाइप को इतना ऊपर तक ले जाने के लिए आज तक कोई भी क्रेन नहीं बनी थी, क्योंकि ये काफी वजनीय भी था। लेकिन अगर इंजीनियर्स ना होते तो शायद ही बुर्ज खलीफा जैसी कोई चीज इस दुनिया में खड़ी हो पाती। बुर्ज खलीफा के उस पाइप को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया और एक एक करके ऊपर ले जाकर असेंबल किया गया। आपको बता दे कि बुर्ज खलीफा की सिर्फ खिड़कियों को ही साफ करने में हर हफ्ते करोड़ों रुपयों का खर्चा आता है। वैसे कि आपने कभी रियल में बुर्ज खलीफा देखा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।